दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे मिनी गैजेट्स के बारे में जो कि साइज वाइज तो काफी ज्यादा छोटे रहते हैं लेकिन उनके यूजर्स की बात करी जाए तो वो उतने ही ज्यादा बड़े। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहेगा क्योंकि इसमें होने वाले हैं एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट्स। नंबर 12, रोलिंग आइडेंटिटी थेफ्ट गार्ड स्टैम्प। दोस्तों ऑफिस में काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पर क्या लिखा है आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लोग आपके आसपास झांका ताकी कर ही देते हैं या फिर जो प्यून होता है वो भी अक्सर डॉक्यूमेंट्स को रीड करने की कोशिश करता है। तो अगर आप इस चीज से बचाना चाहते हैं अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की रोलिंग स्टैम्प को। दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी रोलिंग स्टैम्प होती है जिसे कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर फिरा देना होता है जिससे कि वो सारे वर्ड्स को हाइड कर देगा, जिसके बाद उन्हें नॉर्मली कोई भी देख नहीं सकता। तो अगर आप कोई लेटर वगैरह प्रिंट करा रहे हो या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिंट करा रहे हो जिस पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहते हो तो ये छोटा सा गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। नंबर 11, बगलेट माइक्रो फ्लैशलाइट। दोस्तों आपने टॉर्च लाइट वगैरह तो काफी सारी इस्तेमाल करी होंगी, लेकिन अगर हम एक ऐसी टॉर्च लाइट की बात करें जो कि देखने में एक छोटे से कीड़े जैसी लगे तो ये शायद आपके लिए थोड़ा सा नई बात हो। तो दोस्तों ये टॉर्च लाइट कुछ ऐसी होती है जिसमें एक छोटी सी बैटरी इनबिल्ट होती है जो कि रिचार्जेबल रहेगी और इसका शेप कुछ ऐसा बनाया जाता है कि देखने में ये कुछ कुछ एकदम मकड़ी जैसी लगती है। इसके जो पैर होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल रहते हैं जिससे कि आसानी से आप उसे किसी भी सरफेस पर टाइट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ये आपके लिए एक इमरजेंसी लाइट की तरह तो काम करेगी ही। तो अगर आप भी चाहते हैं छोटे से गैजेट को परचेज करना वो भी बहुत कम कीमत के साथ तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 10, हुक लव। दोस्तों बहुत से लोग YouTube पर काम करना चाहते हैं, ऐसे में वो एक ऐसा माइक चाहते हैं जिसमें वायर्स वगैरह का कोई चक्कर ना हो और साथ ही उनको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिले वो भी एकदम जबरदस्त हो। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो तो इस तरीके का माइक आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों ये छोटा सा माइक होता है जो कि एक तरीके का वायरलेस माइक होता है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सपोर्ट दे रखे होंगे जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन या फिर इसी तरीके की डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वॉइस क्वालिटी भी काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है जिससे कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन एक ब्लॉगिंग माइक की तरह भी काम करेगा। वायर्स ना होने की वजह से आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं, यानी कि जिन माइक्स में वायर होते हैं उसमें काफी सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन इसमें आपको वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। इस छोटे से माइक में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दे रखा होता है, यानी कि जिन DSLR में ब्लूटूथ का सपोर्ट होता है आप उन कैमरास के साथ भी इसे कनेक्ट कराकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा पोर्टेबल माइक जिसका इस्तेमाल आप अपनी YouTube या फिर किसी भी तरीके के प्रोफेशनल काम में कर सकें तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नंबर 9, ओरिगेमी बॉटल। दोस्तों पानी की बॉटल्स को एक बार इस्तेमाल करने के साथ हम उन्हें बिल्कुल भी कैरी नहीं करना चाहते और तुरंत जाके डस्टबिन में फेंक देते हैं, और इसी तरीके से हम लोग दिन में ना जाने कितनी बॉटल्स को डस्टबिन में डाल दिया करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आप एक ऐसी बॉटल चाहते हैं जिसका यूज होने के बाद आसानी से उसे फोल्ड कराकर आप अपनी पॉकेट में रख सकें तो ये गैजेट काफी ज्यादा कमाल का रहेगा इस काम के लिए। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि ये एक तरीके की ऐसी फोल्डेबल बॉटल होती है जिसमें पानी खत्म हो जाने के बाद आपको उसे फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे आसानी से आप अपनी फोल्ड कराकर पॉकेट में रख सकते हैं। इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और साथ ही साथ इसकी कीमत भी कम होती है जिसे कि आसानी से आप जब चाहें इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखे हैं। तो फटाफट जाइए और देखकर बताइए कि आपको ये बॉटल कैसी लगी है। नंबर 8, प्रिंट पॉकेट। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कि मोबाइल फोन से फोटोज खींचने का शौक होता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हें प्रिंट कराने की बात आती है तो जनरली हम लोग आलस कर जाते हैं और कभी कभी प्रिंटिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा होती है जिसकी वजह से हम लोग उन्हें प्रिंट कराने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर आप अपनी फोटोग्राफिक स्किल को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इसे एक पैशन में बदलना चाहते हैं तो इस तरीके का छोटा सा पॉकेट प्रिंटर आपके इस काम को करने में मददगार साबित होगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा पॉकेट प्रिंटर होता है जो कि आपके मोबाइल फोन के साथ अटैच हो जाएगा जिसे कि आप कनेक्ट कराकर इसके ऑफिशियल ऐप से काफी सारी फोटोज वगैरह को प्रिंट करा पाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा प्रिंटर होता है जो कि लगभग आपके हाथों में ही आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फोन के साथ बेहतरीन ग्रिप भी मेंटेन करता है, यानी कि जब आप इससे फोटोग्राफी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एकदम DSLR वाली फीलिंग भी आने वाली है। साथ ही इसके ऐप में आपको स्कैनिंग के भी फीचर दे रखे होंगे जिससे कि आप किसी भी फोटो को स्कैन कराकर भी उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा पॉकेट प्रिंटर परचेज करना जिससे कि आप अलग अलग तरीके की काफी सारी कलर फोटोज प्रिंट करा सके तो ये गैजेट आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। नंबर 7, नोटा मोल ट्रैकर। दोस्तों स्किन की बहुत सारी डिसीजेस होती हैं जिनका हमें पता नहीं चल पाता और कभी कभी तो ये ट्यूमर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का भी रूप ले लेती हैं। तो इसके लिए खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके के गैजेट को जो कि एक ऐसा स्किन हेल्थ मॉनिटर होता है जिसे कि इसे आप अपनी बॉडी में टच कराकर अपनी स्किन की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक इसका ऐप कंट्रोल दे रखा होता है जहां पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है आपकी स्किन में तो फौरन इसके ऐप में आपको अलर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी सलाह देता है। वहीं दोस्तों इसमें सेंसर्स लगे होते हैं
नीचे की तरफ जो कि आपकी बॉडी से टच होते ही फौरन उसकी हेल्थ को आपको बताएंगे। तो काफी ज्यादा बेहतरीन और एडवांस रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का नमूना है। तो आपको कैसा लगा है ये गैजेट कमेंट करके मुझे जरूर से बताएगा। नंबर 6, हाइपर लेजर। दोस्तों लेजर एनग्रेविंग करना तो बहुत लोगों को पसंद होता है क्योंकि इस तरीके के कस्टमाइज प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस काम को घर पर ही करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को जो कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल ग्रेड लेजर एनग्रेवर होता है जो कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों इस गैजेट का इस्तेमाल आप लेजर एनग्रेविंग में कर सकते हैं किसी भी तरीके के सरफेस पर जो कि इसे कहीं ना कहीं खास बनाता है। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो आप इसका इस्तेमाल वहां पर भी कर सकते हैं चीजों को एनग्रेव करने में। इसे आप किसी भी सरफेस पर आसानी से चला पाएंगे, यानी कि लकड़ी, लेदर या फिर किसी भी तरीके के सरफेस पर ये बहुत ही इजीली वर्क करता है। इसके साथ आपको एक ऐप कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर काफी सारी प्री डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही अपने हिसाब से भी आप कोई डिजाइन को कस्टमाइज करके इंग्रेव करा सकते हैं। तो अगर आपको इंग्रेविंग काफी पसंद है तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का रहने वाला है। नंबर 5, वर्क्स जिप स्निप। दोस्तों वैसे तो चीजों को काटने के लिए हम लोग सीजर्स यानी कि कैंची का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी न कभी अगर सरफेस थोड़ा सा मोटा होता है तो कैंची से चीजों को काटने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और अगर हम किसी चीज को अगर सीधी तरीके से काटना चाहें तो आपको काफी ज्यादा सरदर्द हो जाएगा क्योंकि पहले आपको लाइन खींचनी पड़ती है और फिर उसी के ऊपर आप कैंची से काट पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि एक ऐसा ऑटोमेटेड गैजेट होता है जिसमें कि आपको चीजों को काटने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसकी खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का बैटरी ऑपरेटेड गैजेट होता है जो कि बहुत ही आसानी के साथ मोटे से मोटे पेपर को काट सकता है। दोस्तों इसकी खास बात ये भी होती है कि ये एक तरीके का रिचार्जेबल गैजेट है जिसकी वजह से आप इसे चार्ज करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी बैटरी इनबिल्ट होती है जो कि आपके मोबाइल फोन के ही चार्जर के साथ आसानी से चार्ज हो जाएगी। तो काफी इजी रहता है इसे इस्तेमाल करना जो कि कैंची की तुलना में काफी ज्यादा मुझे लगता है आसान रहेगा। नंबर 4, नैनो टॉर्च ट्विस्ट बाय की स्मार्ट। दोस्तों टॉर्च तो आपने बहुत सारी देखी भी होंगी और इस्तेमाल भी करी होंगी, लेकिन अगर हम एक ऐसी टॉर्च की बात करें जिसका साइज काफी ज्यादा छोटा रहे और इसकी बैटरी को आप आसानी से निकाल कर बार बार चार्ज कर सकें तो ये गैजेट आपको इस काम में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगेगा। दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी छोटी सी कॉम्पैक्ट टॉर्च होती है जिसका ऊपर का हिस्सा जो रहता है जहां पर आपका बल्ब लगा होता है उसे आप रोटेट करा सकते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से। साथ ही दोस्तों ये 90 डिग्री पर मोल्ड भी हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं आपका एंगल एडजस्टमेंट में मददगार साबित होगा। इसके पिछले हिस्से को मैग्नेटिक सरफेस दिया गया है जिससे कि आप आसानी से इसे किसी भी लोहे वाले सरफेस पर चिपका सकते हैं जो कि एक मजेदार बात रहती है। तो अगर आप भी एक ऐसी टॉर्च चाहते हैं जिसमें कि आपको रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिल जाए यानी कि उसके सेल को आप जैसे निकालें और उसके बाद अपने मोबाइल फोन वाले चार्जर के साथ उसे चार्जिंग पर लगा दें तो ये गैजेट में कुछ ऐसा ही सेल लगा होता है जिसे कि आप बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की टॉर्च को खरीदना तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 3, मैजमो ग्लोबल काइनेटिक डेस्क टॉय। दोस्तों अगर आप अपनी ऑफिस डेस्क पर रखना चाहते हैं एक ऐसा गैजेट जो कि दिखने में काफी यूनिक लगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा काइनेटिक डेस्क टॉय होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। इसकी ऊपरी बॉडी को पूरी तरीके से मेटालिक रखा जाता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा वेटेड भी रहेगा और जब आप इसे हल्का सा रोटेट कराते हैं तो ये काफी देर तक उसमें रोटेट करता रहेगा जिससे कि जो इसका लुक आता है ऊपर से नीचे की तरफ में वो बहुत ही कमाल का आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक पेपर वेट वाली फीलिंग तो आने ही वाली है, साथ ही ये आपकी टेबल पर देखने में काफी ज्यादा यूनिक लगेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के गैजेट को ट्राई करना तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा पेपर वेट के तौर पर। नंबर 2, सिट पैक कैंपस्टर। दोस्तों अगर आप कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं या फिर कहीं ट्रैवल पर जाते हैं और आपको बैठने की व्यवस्था करनी है तो इस तरीके की चेयर को आप अपने साथ में रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की, तो इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है जो कि एक अम्ब्रेला के स्ट्रक्चर के साथ काम करता है। इसमें आपको टेलीस्कोपिक स्टैंड वाली रॉड्स देखने को मिल जाएंगी जिन्हें कि आप एक्सपेंड करा के इससे एक छोटी सी चेयर बना सकते हैं और जब आप इसे फोल्ड कराने पर आएंगे तो ये साइज में काफी ज्यादा छोटी हो जाती है। अगर आप किसी पिकनिक पर जा रहे हैं या फिर कहीं ट्रैवल वगैरह पर जा रहे हैं तो इस तरीके से आप अपनी चेयर को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं कि अगर सीट मिले ना मिले आप आसानी से इसे अनफोल्ड कराकर यूज कर पाएंगे। तो काफी ज्यादा कमाल की रहती है इस तरीके की चेयर जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं इसे खरीदना तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे जहां से जाकर आप इसकी प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1, स्नैपपॉड्स ईयरबड्स। दोस्तों ईयरबड्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे ईयरबड्स चाहते हैं जिन्हें कि आप अपने मोबाइल फोन के साथ अटैच कर सकें तो ये ईयरबड्स आपको इस मामले में काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। दोस्तों जो इसका केस रहता है उसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि उससे आप आसानी से अपने मोबाइल फोन के बैक पर इसे फिक्स कर सकते हैं। साथ ही जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके मोबाइल फोन के साथ आपके ईयरबड्स हाजिर रहेंगे जिससे कि आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इनकी साउंड क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त होती है जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी और इसमें पीछे की तरफ
टच सेंसिटिव सेंसर्स दे रखे होते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये ईयरबड्स आपके वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से डिटैच करने के बाद इसे आसानी से चार्ज कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसे वायरलेस ईयरबड्स खरीदना जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन के साथ हमेशा लेकर कैरी कर सके, तो इस तरीके के ईयरबड्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। तो कैसे लगे हैं आपको ये ईयरबड्स मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उनकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।